फर्स्ट ऑफ ऑल माननीय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत ही संजीदा और गंभीर विषय उठाया है। आपने अभी जो बात कही ना कि हम अनजाने में कुछ गलतियां करते हैं, वैसे जानबूझ करके गलती कोई करता नहीं। जब जानबूझ करके कोई किया जाए फिर तो वो सोची समझी कोई नीति हो गई या फिर अपराध हो जाता है, लेकिन अनजाने में हुई गलती जिससे हम बहुत सारे फ्यूचर की प्रॉब्लम्स खुद इनवाइट कर लेते हैं। और वैसे तो ही मैंने ये पुस्तक पढ़ी नहीं, लेकिन जैसा आपने समझाया अभी उसको मैं देखता हूं तो भी मुझे कल की एक घटना याद आती है। मेरी एक बिटिया है, अभी 3 साल की होने वाली है, तो उसने कल एक, अब वो बच्चा है, उसको तो कुछ भी, बड़ों के मायने में भी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कैसे हम लोग गलती करते हैं। तो उसको हर नई चीज बहुत यूनिक लगती है, तो हम लोग उसको, हम क्या सभी कोई कर ही देता है, तो पीछे क्या हो रहा था कि वो मोबाइल में वीडियो देखती थी। और जब वो, अब शुरू में हम लोग को भी अच्छा लगता था, कुछ ज्यादा कुछ काम करना हो तो भाई चलो मोबाइल देख लो, तब तक हम कर रहे हैं। तो फिर मैं देखा कि वही बच्ची जो हमसे बहुत बहुत 2 साल की थी, तब भी खूब अच्छे से बात करना, सामने से बोलने पर रिस्पोंड करना, लेकिन जब वो मोबाइल देखने लगती है, धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मोबाइल में जाने के बाद वो किसी को नहीं देख रही, किसी की कोई बात नहीं सुन रही। फिर हमने अपनी वाइफ से डिस्कस किया क्या किया जाए, और जब उसको हम लोगों ने मोबाइल छोड़ाना शुरू किया तो इतना और रोना, और मतलब अभी 3 साल की होने वाली है, फिर वो ना वो एक से एक वो नई नई नुस्खे निकालती है अपने से, हाँ कि क्या क्या करेंगे, तो एकदम और दर 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 बहता हुआ आंसू अचानक दे दीजिए तुरंत रुक जाता है। बच्चे का एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसलिए कई लोग सोचेंगे भाई किताब तो बच्चे के लिए नहीं बड़े के लिए, मैं उस जिस्ट पे जा रहा हूं। फिर हम लोगों ने अभी कोशिश किया और ये स्थिति आई है, अभी मुश्किल से ज्यादा नहीं 2-2.5 महीने बहुत रोई है, मतलब मेरा कलेजा फट जा रहा था। मैं वाइफ से मेरा थोड़ा कभी भी तनाव रहा था, बोली कि नहीं आप नहीं बोलेंगे, उसको नहीं देना है, थोड़ा सा कड़ाई भी हुआ। फिर थोड़ा ऑप्शन हम लोग ढूंढने लगे इसको और क्या दे सकते हैं, तो आज हम सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि बच्चा आपका रोने लगे तो फिर लगता है दूध में कुछ भी दे दो। अब कल क्या हुआ कि वो एक सैनिटाइजर से खेलने लगी और सैनिटाइजर को दबाती थी, जो से निकले तो उसको अच्छा लगता था। तो मैं सोचा चलो यार क्या करूं मैं, और कब वो सैनिटाइजर का मुंह उसके तरफ हो गया और उसने किया और वो छत से मुड़ गई। अब आप उसके बाद सोचिए हमारी क्या स्थिति हुई होगी। फिर मैंने उसको उसके बाद भी जब छीना तो कुछ देर रोई, ये सब खैर ठीक है, कुछ और नुस्खा निकाला। मैं इस एग्जाम्पल को, चूंकि हमारे साथ इस समय बड़ी बिटिया बड़ी है, अब ये छोटी सी के साथ इस समय ज्यादा समय बिता रहा हूं, तो मुझे महसूस होता है कि बड़े बच्चों की भी कई बातें, कई ऐसी उसकी डिमांड ऐसी हो जाती है जो हम आप चाह के भी उसको सोचते हैं यार इसमें बुरा ना लगे इसको, इसलिए लेट इट गो, करने दो जाने दो। बट ये किताब जो है 7 टेरिबल कैरियर सिलेक्शन मिस्टेक्स, तो भी बच्चा तो बच्चा है, एक न एक दिन हमें उस बच्चे के साथ कैसे भी, अब मैंने ऐसा नहीं किया कि बच्चे को एकदम वो सैनिटाइजर छीन लिया और पहले तो उसका मुंह तुरंत साफ किया, कोशिश किया, फिर मैंने उसको एक गिलास पानी लाया और एक गिलास दूसरे में डालने लगा, तुरंत उसमें शिफ्ट हो गई, अब इधर तक उधर डाल रही है, नया खेल फिर वो स्टार्ट। सी सो हैप्पी। हाँ, तो ये करना पड़ेगा।
मेरी एक बेटी एक 3 साल की है और एक बेटी मेरी 17 साल की हो रही, तो वो उसकी भी समस्याएं मैं देख रहा हूं। हर बात को सिद्ध सही सिद्ध करने का उसका अपना क्राइटेरिया है। अभी बीच में घटना घटी, वो अचानक एक दिन बोली मुझे ये कार खरीदनी है। मैंने पूछा कितने का है, बोली बस 95 लाख। तो अब बच्चा अपना कितना प्रिय होता है। मैंने 2-2.5 महीने लिए, मैंने नहीं खरीदे उसके लिए, और मैं उसको खरीद ही सकता था एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, एज एन सिंगर, कोई हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, मैं खरीद सकता हूं उसके लिए 1 करोड़ का, मैं उसके लिए 5 करोड़ की भी गाड़ी खरीद सकता हूं। लेकिन मैंने नहीं खरीदा, और नहीं खरीदने के बाद भी मैं उसको इस तरह से तैयार किया हूं गोविंद भैया कि सी इज हैप्पी। तो ये ऐसी किताबें तो बहुत आवश्यक है। बहुत जगह ऐसी समस्या आती है जहां मैं जितना आसान समझ रहा हूं उतना है नहीं, बच्चों के कैरियर को लेकर के और कई चीजें। अब मैं कई ऐसे बच्चों को देखता हूं जो बहुत अच्छे सक्षम घर के बच्चे हैं, बाहर पढ़ने को भेजा, मगर मुझे लगता है वो भेजने के पहले भी नहीं सोचे होंगे कि वो बाहर का ही हो गया है। अभी वो भारत का नहीं, अब वो भारत की संस्कृति का नहीं है, उसकी सोचने की शैली वो ये सब। तो ऐसा कोई नया नहीं हो रहा है। आज भी हम लोग देख रहे हैं ना, देश में एक बहस चल रही है, भारत इंडिया की ये बहस चल रही है। अच्छा, कई लोगों को मिस्टेक हो रहा है, जिससे कुछ लोगों को लगता है कि हम इंडिया नाम हटा रहे हैं, ऐसा हम भारत पे फोकस कर रहे हैं। क्योंकि ये अंग्रेजों के आने से पहले तो इंडिया हमको कोई कहता ही नहीं था, ये हमारा कोई बहुत पुराना नाम नहीं है। हाँ, आज भी आप कभी गृह प्रवेश करेंगे या कभी कोई पंडित जी कोई कथा कराने आएंगे तो एक बार जरूर कहेंगे आपको कि आर्यावर्ते, जम्बूद्वीपे, भरतखंडे, भारतवर्षे, ये सब आपको सुनने को, और आज नहीं, ये 10,000 साल पहले भी सुनने को मिलता था। तो हम अपनी संस्कृति पे फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब ही नहीं कि हम नया, ठीक है हम तो उदार लोग हैं ना। अब हमसे तो कई बार बहस होती है, बहुत लोग, एक बहुत पढ़े लिखे आदमी थे कि I don't think what problem you guys have with India, no problem brother, no problem, लेकिन ये बताओ इंडिया नाम किसने दिया? बोले अंग्रेजी में इंडिया है तो हमने क्या पाकिस्तान का अंग्रेजी क्या है, फिर अफगानिस्तान का अंग्रेजी क्या है, फिर चाइना का अंग्रेजी क्या है, बताओ। अगर अंग्रेजी हर देश का नाम अंग्रेजी में अनुवाद हो सकता है तो और भी देशों का होना चाहिए। तो ठीक है, उसके बाद भी हम क्या, इंडिया चला तो हम भी कई चीज चला रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया, फिट इंडिया, हम तो चला ही रहे हैं, लेकिन हमारे देश का नाम मात्र नाम से नहीं, हमारी संस्कृति से है। हमारी संस्कृति में हमारे तो अब तो लोग देखिए क्या अंग्रेजी पढ़ने लगे हम लोग, तो अंग्रेजी में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि दूसरे की स्त्री हमारे लिए मां समान होती है, मगर हमारी संस्कृति कहती है मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु नोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः। हमारी पुस्तकों में लिखा है कि दूसरे की स्त्री को माता की तरह समझे, परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के द्रव्य को, धन को लोष्टवत्, मिट्टी के ढेले की तरह समझे, आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसा मैं हूं मुझे सुई चुभती है तो उसको भी दर्द होता है तो उसको भी होगा, मुझे अगर कोई गोली मारता है मैं उसको मारता हूं उसको भी वही दर्द होगा, अगर मेरे को किसी ने चोट पहुंचाई फेंक दिया कहीं से तो जो मुझे पेन होता है उसको भी होता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब जीवों को अपनी तरह देखेंगे, ऐसा जो देखता है वही विद्वान है, दैट इज दे आर स्कॉलर्स, सब पंडित, ऐसा संस्कृत में लिखा है। अब पंडित तो आजकल लग पंडित ब्राह्मण पंडित जी कहते हैं, ब्राह्मण को पंडित जी नहीं कहते हैं, पंडित अलग है, पंडित तो मानवी है,
ये विद्वान है, इसने सोचा आज ये किताब लिखी। तो चूंकि पहले जो ज्ञान देने वाले थे वो तो उनको पंडित कहा जाने लगा, बाद में लोग समझे कि हम ब्राह्मण घर में पैदा हुए तो हम पंडित ही हो, जरूरी नहीं हम ब्राह्मण हो सकते। तो मैं बहुत ऐसे तो मैं बहुत ऐसे राकेश भैया ने बोला मैं चला आया। मोदी जी के साथ आज हम लोग एक द्वारका में एक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन था। आप सोचिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो थिएटर है उसमें एक साथ 3500 लोग बैठ सकते हैं, और हम लोग अभी थोड़े देर पहले भारत मंडपम बनाए जहां एक साथ 7000 लोग बैठ सकते हैं। आज हम लोग कन्वेंशन सेंटर बनाए जहां एक साथ 8000 लोग बैठ करके कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं, और वो भारत में इसी दिल्ली में बन करके तैयार हुआ। उसका अभी हम लोगों ने 40% एरिया का उद्घाटन किया है, और उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि स्थापत्य कला के सारे रिकॉर्ड टूटे जा रहे हैं। न सिर्फ हम बना रहे, जो शैली होती है, जो ये सब निर्माण की शैलियां है वो सबको ला रहे, और दूसरे देश देख करके उसको परेशान हो रही है ऐसा कैसे बना रहे, जबकि हम विकसित देश भी नहीं, हम अभी विकासशील हैं। जब विकसित हो जाएंगे तब सोचिए क्या स्थिति हो। हाँ, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो इस बात को समझे। ये आसान नहीं है, ऐसा नहीं कि हम एक स्पीच दे देंगे और मानवीय किताब लिख देगी तो ये हो जाएगा। बहुत लंबा रास्ता जाना पड़ेगा, क्योंकि हर बात को समझने के लिए यूथ के पास बहुत सारे उसके लॉजिक्स हैं, नहीं समझने के लिए बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारे इमोशन हैं, वो बहुत जगह हमको आपको माता पिता को वो अचानक से वो अशिक्षित प्रूव कर देंगे। वो आजकल के बच्चों को ये कहने में भी समय नहीं लगता है कि यू मॉम यू विद बैकवर्ड फीलिंग, क्या तुम ये दतियानुसी बातें करते हो, आपको कुछ आता नहीं, आपको पता नहीं दुनिया कहां गई। और देखिए आप दुनिया कहां जा रही है, अगर यही पैमाना है दुनिया कहां गई, तो हम तो जहां चांद पे कोई नहीं गया वहां भारत पहुंच गया। अगर यही पैमाना है तो हम वहां भी जा रहे हैं, और अभी तो हम लोग सूर्य के सबसे करीब पहुंच गए। आदित्य L1 जो हम लोगों ने भेजा, तो ये कौन लोग भेज रहे हैं? वो जो वैज्ञानिकों की तस्वीर आप लोग देखिए, क्या साड़ी पहने, साड़ी ब्लाउज बिंदी, ये ऐसा देख के तो कहीं मेरा देखिए, मैं एक मुझसे एक गांव का व्यक्ति, मेरी माँ आज भी गांव रहती है, उनको अगर दिल्ली ले आया कि चलो तुम्हारा बच्चा सांसद है चलो रहो, तो उसको 5 दिन में लगता है कि वो थोड़ी सी हवा कम आ रही है। अब हमको आपको इस हवा की आदत पड़ गई है, मगर हम उस गांव के एंगल से देखते हैं। और इस पुस्तक का ये मालवी, इसको तो मैं अभी लिखता हूं, पढ़ूंगा थोड़ी सी, इसको अंग्रेजी में लिखो कि हिंदी में भी अनुवाद होगा करवा दो नहीं देखिए अच्छी बात, अंग्रेजी हमें समझ में आती है लेकिन याद नहीं रहती। अगर मैं 2 घंटा किसी का अंग्रेजी में लेक्चर सुनूं तो सुनाई तो देगा कितनी देर में निकलता जाए, और हमको अगर 2 घंटा कोई हिंदी में भाषण देगा तो हमको 2 घंटे बाद भी लाइन डिटेक्टर लगा के पूछ लो, मैं सब बता दूंगा वो क्या क्या कह रहा है। तो ऐसा होता है, आप जो मूल होता है ना उसमें आप सोचते हैं। तो हमें इंग्लिश में दुनिया के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलना है, और ये सही है कि आज इंडिया के लोग भी इंग्लिश सबसे अच्छी जानते हैं। ऐसा नहीं कि वो जो गोल गोल मुंह करके लंदन और अमेरिका के लोग बोल लेंगे तो अच्छी इंग्लिश जानते हैं, वो तो बहुत सारी इधर उधर की इंग्लिश बोलते हैं, सबसे अच्छी इंग्लिश में हम ही बोल रहे हैं। और जरूरत है कि अंग्रेजी में दूसरों ने क्या हमारे बारे में कहा उसको अब समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं दुनिया ने करी।
तो अब हम अंग्रेजी में उनको बताएंगे कि आपने गलत लिखा था, अंग्रेजी में हम सही लिखेंगे तो उसका हिंदी जब अनुवाद हो जाएगा तो हमको हम जैसे लोगों को भी पढ़ने में आओ। ये इंटरेस्टिंग किताब बहुत, मुझे तो मैं तो आ रहा था कि राकेश जी ने बुलाया है, बस ठीक है। राकेश गुप्ता जी ये हमारे बड़े भाई की तरह है और यहाँ जितने लोग हैं गोविंद जी, आप बता रहे थे मानिए आपकी बेटी है, अच्छा हाँ, और अजय भाई की बहू है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके घर की बहू मानवी ने, मानवी बंसल ने जो लिखा है, मुझे लगता है ये आने वाली हमारी यंग पीढ़ी है, इसको बहुत बड़ा रास्ता दिखाएगी और उससे ज्यादा रास्ता अपने पेरेंट्स को हम सब, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना चाहिए, क्योंकि कड़वी दवा कई बार स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर देती है। तो इसी भावना के साथ मैं आप सबको बहुत प्रणाम करता हूँ और इंडिया हैबिटेट सेंटर में अक्सर आना जाना मेरा होता है, लेकिन हम जरूर इस पुस्तक को अपने बच्चों पे लागू करेंगे, इसका मैं शपथ, और हम ऐसे ही शपथ लेंगे तो धीरे धीरे हमारे बच्चे भी, क्या होता है सास भी कई बहू थी, आज जो बच्चे हैं वो भी कल माता पिता बनते हैं, तो ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और एक बार पुनः मानवी को धन्यवाद, जब से मैं किताब का टाइटल और किताब का जिस्ट समझा हूं, मुझे सच में मानवी जैसे बच्चों पे बहुत फख्र है। थैंक यू वेरी मच।